सारी बात जो है ना, ईद ये एक रब का इनाम होता है, बेशक रमजान के रोजे रखने के बाद जी, जी। उसकी रहमतें जो इस मुबारक महीने में ऊपर से अता की गई होती है, बेशक उसके बाद एक प्लेयर का दिन होता है। एग्जैक्टली तो तुमने ईद के हवाले से बात की थी, बचपन जब था ना तो शूज खरीदे गए या पेंट या शर्ट या कोई निकर या जो, तो वो सारी रात नींद नहीं आती थी, अपने कमरों में जाके उसी चीज को ऐसे ही उठे तो जाके फिर देखा कि पड़ी भी, दस दस बार उसको चेक किया जाता था। आज अभी साले में पीरी में उस वक्त ईदियाँ मिला करती थी, अब मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, मामू भी हूँ, ताया अबू भी, तो बच्चों के ढेर मेरी सराउंडिंग में सारे के सारे होते हैं। तो अब वो जो एक प्लेयर होता था ना ईदी मिलने का, अब ईदी बांटने का भी एक प्लेयर है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि हमें 5 रुपए मिल जाते थे तो वो तो खत्म ही नहीं होते थे। आज के बच्चे को 500-5000 भी बौद्ध नहीं करता कि दादा क्या दे रहा है मुझे, लेकिन एक हद है उसी में रह। लेकिन ईद का दिन जो है ये हर शक्ल में एक प्लेयर का दिन है। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमें चाहिए कि हम सिर्फ अपने ही खानवादे में या अपने ही लोगों में जहाँ हम रहते हैं, हमारी सराउंडिंग में बेशुमार जो पड़ोसियों में से, हमें उनसे भी एक रिलेटेड होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बेशुमार हम सबकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस तरह हम ईद को अवेल कर रहे हैं, जिस तरह हम उसको मना, बेशुमार लोग हैं जो उस तरह नहीं कर पा रहे उसे। बिल्कुल। तो आप किसी न किसी शक्ल में उनसे भी एफिलेट होते हुए और उनको भी इन खुशियों में शामिल अगर कर लेते हो तो मेरे ख्याल ये भी रब के यहाँ एक बड़ा पसंदीदा जैसे मैं कल मकबूल रहा।